किसी कारणवश लोन ना चुका पाने की परिस्थिति आने पर आप लोन सेटलमेंट कैसे करें, एक व्यापारी को पता होना चाहिए ये पहलू भी। लोन सेटलमेंट करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप। आज का जमाना अनसिक्योर्ड लोन का है, चाहे बिजनेस लोन हो, होम लोन लेना हो, कार या फिर माल ढोने के लिए गाड़ी लोन लेना हो, होम अप्लायंसेस लोन लेना हो, बिजनेस चलाने के लिए किसी तरह का लोन लेना हो या फिर क्रेडिट कार्ड लेना हो, सभी बैंक अपने फायदे को देखते हुए आपको सभी तरह के लोन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इसके बदले में वो आपसे मोटा ब्याज वसूलते हैं। जब बैंक वाले लोन देते हैं तो ग्राहक से पूरी हमदर्दी दिखाते हुए उससे बहुत ही प्यार से बातें करते हैं और ग्राहक को खुश करते हैं। आज के जमाने में बिजनेसमैन या अच्छी जॉब करने वाले अधिकांश युवा बैंकों से लोन और क्रेडिट कार्ड अवश्य लेते हैं। इससे बैंकों का अच्छा खासा बिजनेस इन युवाओं से चलता है। बैंक हमेशा अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए तरह तरह की स्कीम्स चलाते हैं और ऑफर भी देते हैं। इससे युवा वर्ग बैंक वालों की स्कीमों के लालच में फंस जाता है। लोन सेटलमेंट की परिस्थिति कैसे उत्पन्न होती है? अचानक कोई बड़ी समस्या आ जाने के कारण आप बैंकों से लिए गए लोन की किस्त यानी कि EMI नहीं चुका पाते हैं अथवा क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति में आपके समक्ष लोन सेटलमेंट की स्थिति आती है। उस समय आपको सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। ये स्थितियाँ उस समय बनती हैं जब किसी लोन देने वाले व्यक्ति की अच्छी खासी जॉब अचानक से किसी कारण से चली जाती है, उसकी आमदनी का जरिया कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है, तो वो सबसे पहले अपने खाने, कपड़े और परिवार के खर्चे को मेंटेन करेगा या फिर बैंक का लोन चुकाएगा। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति के शरीर में अचानक किसी बड़ी बीमारी का पता चलता है और जान बचाने के लिए उसे अपनी सारी जमा पूंजी महंगे इलाज में खर्च करनी पड़ जाती है, तो उस परिस्थिति में वो लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में रहता है। यदि लोन लेने वाले व्यक्ति के साथ या फिर उसके परिवार में किसी के साथ अचानक कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है जिसमें उसका सारा पैसा लग जाता है, तो भी वो लोन चुकाने की स्थिति में नहीं रहता। बैंक वालों का रवैया हो जाता है सख्त। ऐसे ही कारणों से लोन लेने वाले व्यक्ति के समक्ष ऐसी मजबूरी आ जाती है, वो अपना लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाता है और आगे भी चुकाने की स्थिति में नहीं रहता। तब उसके समक्ष एक ही रास्ता लोन सेटलमेंट का बचता है। लेकिन शुरू शुरू में बैंक वालों का रवैया बहुत सख्त होता है और वो लोन लेने वाले व्यक्ति से लोन का मूलधन, उस पर अपना ब्याज और उस पर लगे लेट फाइन को वसूलने की कोशिश करता है, जबकि लोन लेने वाला मूलधन भी देने की स्थिति में नहीं रहता। उस समय आपको पूरे दिमाग से काम करना होगा ना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। रिकवरी एजेंट भेजकर धमकाया जाता है। बैंक या वित्तीय संस्थाओं को जब यह मालूम हो जाता है कि उसके फलां ग्राहक की स्थिति ऐसी हो गई है और उन्हें अपना पैसा डूबता हुआ दिखता है, तो वो दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। पहले तो कॉल करके तरह तरह से परेशान करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद भी आप जब उनका लोन नहीं चुकाते हो तो वो अपने कॉन्टेक्टेड रिकवरी एजेंट को आपके घर भेजकर तरह तरह से धमकाते और दबाव डालने की पूरी कोशिश करते हैं। अनेक लोग उन रिकवरी एजेंटों की धमकियों के दबाव में आ जाते हैं। उस समय बैंक आपके साथ कोई रियायत नहीं करता क्योंकि उसे रिकवरी एजेंट की कंपनी को उनका कमीशन देना होता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मान लीजिए कि आपके साथ हुए किसी हादसे के कारण आप लोन चुका पाने में असमर्थ हैं और आपने बैंक को शुरू में लोन सेटलमेंट करने की एप्लीकेशन दे दी। बैंक आप पर दबाव बनाने के लिए आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके पूरा पेमेंट करने को कहते हैं, तो आपको चुप हो जाना चाहिए और महीने दो महीने के समय का इंतजार करना चाहिए। यदि इस समय में बैंक वाले आपसे दोबारा संपर्क करके आपसे सेटलमेंट करने की बात कहते हैं, तो आप उसे नेगोशिएशन करके कम से कम पेमेंट पर फुल एंड फाइनल पेमेंट करके सेटलमेंट कर लेना चाहिए। उस समय बैंक वाले आपसे कम से कम मूलधन लेकर भी सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट के समय बैंक लेट पेमेंट चार्ज और ब्याज छोड़ सकते हैं। आपको रखना होगा धैर्य और दिखानी होगी हिम्मत। अब आप इससे कम या कम से कम पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी हिम्मत और धैर्य का परिचय देना होगा। जब आप बैंक वालों की बार बार कॉल करने पर भी पेमेंट नहीं करते तो वो रिकवरी टीम भेजते हैं। ये रिकवरी टीम भी आपको सामने से आकर धमकाती है और भड़काती है और आपको इस तरह से उकसाती है कि आप ताव में आकर पेमेंट कर दें। इसके लिए वो आपके स्टेटस से खेलते हैं, आपकी सोसाइटी में बार बार आकर आपको एक तरह से जलील करने की कोशिश करते हैं, साथ ही जेल जाने का डर दिखाते हैं। रिकवरी एजेंट की धमकियों से घबराने जरूरत नहीं है। वो आपको ये भी बताते हैं कि बैंक ने आपके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, पुलिस की ओर से समन आता ही होगा। यदि आपने समन नहीं लिया तो आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है, उसके बाद आपको जेल भी ले जाया जा सकता है।
इस तरह से दबाव बनाकर आपको मजबूर करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग इनके दबाव में आ जाते हैं और बैंक की शर्तों पर सेटलमेंट करने को तैयार हो जाते हैं। उस समय भी बैंक वाले अपनी बात ऊपर रखते हैं। उस समय आपको हिम्मत दिखाते हुए उनकी किसी भी धमकियों में नहीं आना चाहिए और ना ही आपको सेटलमेंट करना चाहिए। ये रिकवरी एजेंट 2-3 महीने आने के बाद आपके यहाँ आना बंद कर देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप शांत रहिए। इसके बाद जब कुछ दिनों के बाद बैंक से फिर कॉल आए तब उनसे बात करनी चाहिए। सेटलमेंट से पहले क्या करें? सेटलमेंट से पहले आपको बैंक की चालाकी पकड़नी होगी। उसके बाद उनसे निगोशिएशन करना चाहिए और बात को जितना लंबे समय तक खींच सकते हैं तब तक खींचिए। जितना लंबा समय गुजरेगा उतना ही अधिक फायदा आपको होने वाला है। बैंक वाले आपसे बात करते समय आपके बकाए की आउटस्टैंडिंग बताकर आपका बिल लंबा चौड़ा बताएंगे और उसमें से थोड़ा बहुत छोड़कर सेटलमेंट करने के लिए दबाव डालेंगे। अब आप ये जानिए कि आउटस्टैंडिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। आउटस्टैंडिंग में 3 प्रमुख चीजें होती हैं जो इस प्रकार हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, आपके लोन की आउटस्टैंडिंग में प्रिंसिपल अमाउंट होता है। प्रिंसिपल अमाउंट को मूलधन भी कहते हैं। यदि साधारण भाषा में कहें कि आपने जितने रुपए का लोन लिया है उसे मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। LPF यानी लेट पेमेंट फाइन, आप जब आपने अपनी EMI देनी बंद कर दी होती है तब बैंक वाले आपको डिफॉल्टर मानकर आपके खाते में लेट पेमेंट फाइन जोड़ने लगते हैं। वैसे तो ये लेट पेमेंट फाइन की कोई रेट फिक्स नहीं है, बैंक वाले अपने मनमाने तरीके से ये लेट पेमेंट फाइन जोड़कर आपका बजट बढ़ा देते हैं। ब्याज, तीसरा होता है ब्याज और कन्वर्जन चार्ज। तो ब्याज तो आपको मालूम है कि बैंक वाले ब्याज के बारे में गोलमोल घुमाकर छिपाने की बात करते हैं, लेकिन जब सेटलमेंट की बात आती है तब आपको एग्रीमेंट दिखाकर उसमें छिपे सारे ब्याज और सरचार्ज दिखाते हैं। इस तरह आउटस्टैंडिंग बनाकर आपके समक्ष लंबा चौड़ा बिल बनाकर आपसे सेटलमेंट करने की बात कहते हैं। आप चूंकि आउटस्टैंडिंग के बारे में नहीं जानते तो बैंक वाले आपको घुमा फिरा सकते हैं। अब आपको क्या करना है ये जानिए। जब बैंक वालों की कॉल आपके पास सेटलमेंट के लिए आए तो आपको उनकी कॉल स्वीकार कर लेनी चाहिए। साथ ही आपको बैंक से सेटलमेंट के लिए थोड़ा समय जरूर लेना चाहिए। इस समय में आपको आउटस्टैंडिंग की सारी जानकारी जुटानी होगी। ये जानकारी आप कैसे जुटाएंगे ये हम बताते हैं। आपको बैंक कस्टमर केयर सेंटर या फिर वेबसाइट पर संपर्क करके उनसे अपने बैंक लोन की सारी डिटेल मंगानी होगी। इसके बदले में जो जवाब आएगा उसमें आपकी आउटस्टैंडिंग भी दी होगी और उसमें प्रिंसिपल अमाउंट, लेट पेमेंट फाइन और इंटरेस्ट सब कुछ अलग अलग दिया होगा। अब आपको मालूम हो जाएगा कि मूलधन कितना है और उस धनराशि को लेकर लोन सेटलमेंट करना होगा। सेटलमेंट अब ऐसे करें, अब आप इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को अलग कर दीजिए और बात की बाकी की सारी चीजें भूल जाइए, क्योंकि सेटलमेंट में केवल मूलधन पर बात होती है। इसे भी कम किया जा सकता है, ये आपके धैर्य की बात होती है। यदि आप लंबा नहीं खींचना चाहते हैं तो आप प्रिंसिपल अमाउंट पर सेटलमेंट कर सकते हैं। यदि आपको प्रिंसिपल अमाउंट से भी कम पेमेंट करना है तो आप बैंक वालों की पेशकश को 2-3 बार ठुकराएं तो बैंक वाले इस राशि को कम करते जाएंगे। पहली बार में वो आपसे 80% का प्रस्ताव रखेंगे, आप उसे नहीं मानेंगे तो वो आपसे 70% करेंगे। इसी तरह से वो गिरते गिरते 50% तक आ सकते हैं। उस समय आप वन टाइम सेटलमेंट की बात कहकर 40% देने की बात करेंगे तो खींचतान के बाद आपकी बात बन सकती है। यदि नहीं बनती है तब भी आप 50% पर सेटलमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आपका बहुत सा पैसा बच सकता है। अब आपको बरतनी होगी एक और सावधानी। लोन सेटलमेंट के समय आपको बैंक से एक स्टेटमेंट और NOC लेनी होगी, वरना पेमेंट लेने के बाद वो दोबारा आपसे फिर सेटलमेंट की बात करने लगेंगे। जब आपका और बैंक के बीच लोन सेटलमेंट का फाइनल हो जाए और फाइनल पेमेंट से पहले आप बैंक से ये कह सकते हैं कि हम आपके द्वारा मांगी गई पूरी पेमेंट एक बार में आपके द्वारा तय समय में कर देंगे, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। आपको कौन सी बात मनवानी है? यदि आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। आपको बैंक वालों से ये कहना है कि आप हमें अपने लेटर पैड पर ये लिख कर देंगे कि हमारे लोन की आवेदन संख्या, दिनांक और अमाउंट जो लिया गया था उसके बदले में लोन सेटलमेंट के माध्यम से फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दिया गया है और उसके बाद अब इस लोन के बदले में कोई लेन देन बाकी नहीं रह गया है, अर्थात हिसाब चुकता हो गया है। वो कागज आप संभाल कर रखिए और निश्चिंत हो जाइए। सिबिल स्कोर की चिंता कतई ना करें। जब आपने अपनी समस्या के चलते EMI देना बंद कर दिया और बैंक वालों की बार बार कॉल आने पर भी पेमेंट नहीं किया तो उसी समय बैंक वाले आपके नाम को सिबिल स्कोर वालों को भेज देते हैं और आपके खिलाफ सबूत देकर आपका सिबिल स्कोर खराब करा चुके होते हैं। इस तरह से आपका सिबिल स्कोर तो खराब हो ही चुका होता है, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिबिल स्कोर को ठीक करने के लिए क्या करें?
जिस बैंक से आपने लोन सेटलमेंट किया है वो बैंक आपको कभी भी लोन नहीं देगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप उसे इस्तेमाल करें, उसका पेमेंट सही समय पर करेंगे तो आपका वहां से सिबिल स्कोर ठीक हो जाएगा। यदि नहीं है तो आपको एक कोशिश ये करनी होगी कि आप ऑनलाइन लोन देने वाली अनेक प्राइवेट कंपनियों को तलाशें, उनमें से कोई कंपनी आपको छोटे से छोटा लोन देने को तैयार हो जाएगी। उनसे लोन ले लीजिए और उसका समय पर भुगतान कर दीजिए। ऐसा कई बार करने से आपका सिबिल स्कोर पहले जैसा हो जाएगा और आप फिर कहीं से भी लोन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।